today we will going to read our remaining lesson. All of you open your book, page number 89. Let's start. A lake is a large body of fresh water surrounded by land. Okay? A large body of water is called sea. Sea water is salty. We cannot use it for drinking. ठीक है, जहाँ बहुत सारा पानी रहता है, कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है. पर समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते. क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि ये सॉल्टी रहता है, नमकीन पानी रहता है. क्यों नमकीन पानी हम नहीं पी सकते ना, खारा पानी. ओके, अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑन ओशियन. जहाँ बहुत सारा उनको महासागर बोलते हैं, ओशियन बोलते हैं. इट इज़ बिगर देन अ सी, और ये सी के अकॉर्डिंग बड़ा रहता है. देयर आर फाइव मेन ओशन ऑन द अर्थ. ओके, फाइव मेन ओशन है अर्थ पर. अर्थ है चेंज अ लॉट ओवर द ईयर. जो अर्थ जब से बनी है तब से उसमें बहुत सारे चेंज हुए हैं. और ये चेंज क्यों हुए हैं देख लेते हैं. मैन हैज़ मेड मैनी चेंजेस टू अर्थ. जो मैन है, ह्यूमंस हैं, उन्होंने अर्थ पे बहुत चेंज की है. टू फुलफिल हिज नीड फॉर फूड, अपनी जो नीड्स रहती है, ज़रूरतें हैं खाने की पूरी करने के लिए, शेल्टर घर के लिए, क्लोथिंग कपड़े के लिए, एंड ट्रैवलिंग और एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए. सम ऑफ द मैन मेड चेंजेस आर, कुछ मैन मेड चेंजेस हैं जो हैं देख लेते हैं. मैन हैज़ मेड बिग बिल्डिंग फॉर सिटीज एंड टाउन. जो मैन ने हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली हैं सिटीज़ टाउन में. मैन हैज़ मेड कैनल डैम्स एंड ब्रिज ओवर रिवर्स. रिवर्स के ऊपर ब्रिज कैनल बना लिए हैं. मैन हैज़ सेटअप अ फैक्ट्रीज टू मेक डिफरेंट थिंग. उन्होंने फैक्ट्री सेटअप कर ली है डिफरेंट थिंग. ओके, एंड मैन हैज़ लेड रोड्स एंड रेलवे ट्रैक टू ट्रेवल. ली रोड्स और रेलवे ट्रैक बना लिए हैं. मैन हैज़ क्लियर फॉरेस्ट टू मेक फील्ड टू ग्रो क्रॉप्स. और उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करके, मतलब क्लीन करके, वहाँ पे फील्ड्स बना लिए, खेत बना लिए हैं फसलें उगाने के लिए. लुक एट दिस पिक्चर. डैम है, ब्रिज है, कैनल्स हैं. सो स्टूडेंट, जो ये हमारी जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे जब से ह्यूमन है, इन्होंने अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, जैसे शेल्टर है, फूड है, ट्रैवलिंग के लिए, इन्होंने अर्थ पे बहुत सारा चेंज किया है. फॉर एग्जांपल, जो रिवर्स हैं, नदियां हैं, उनके ऊपर ब्रिज बना दिए हैं, कैनल बना ब्रिज बना दिए हैं, और ट्रैवल करने के लिए फॉरेस्ट को कट करके रेलवे ट्रैक बना दिए हैं, रोड्स बना दिए हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सके. उन्होंने अर्थ में बहुत सारा चेंज किया है. ओके, बिग बिल्डिंग्स, इंक्रीजिंग ट्रैफिक, कटिंग फॉरेस्ट, ऑल दीज अबव एक्टिविटीज हैव हार्म्ड द अर्थ. ह्यूमन हैव डग अप द अर्थ फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कट डाउन माउंटेन फॉर मेकिंग टनल्स. ओके, अर्थ इज़ अ ब्यूटिफुल प्लैनेट एंड वी शुड प्रोटेक्ट अवर अर्थ फ्रॉम ऑल हार्म्स. ओके, अर्थ बहुत ब्यूटिफुल प्लैनेट है, हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए. ओके, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रही हैं, इंक्रीज ट्रैफिक हो रखी है, कटिंग फॉरेस्ट, तो ये अर्थ को हार्म ही तो पहुंचा रही हैं. जैसे ट्रैफिक, इतने सारे व्हीकल्स हैं, व्हीकल से जो पॉल्यूशन निकलता है वो हमारा जो एटमोसफियर है उसमें फ़र्क पड़ता है. बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बनाई हैं अर्थ पे, ओके, तो ये बहुत हार्म पहुंचा रहा है हमारी अर्थ को. सो स्टूडेंट, अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लैनेट एंड वी शुड प्रोटेक्ट अवर अर्थ फ्रॉम ऑल हार्म्स. ओके स्टूडेंट, टुडे वी फिनिश दिस लेसन. आज हमने इस लेसन की रीडिंग फिनिश कर ली. और टुडे योर होमवर्क इज टेक द राइट आंसर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स आपको फाइंड करने हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके आंसर बताऊंगी. ओके स्टूडेंट, नाउ टाइम टू से बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे.